हम देखते हैं जी, यहाँ पे जस्ट अब मैंने ये कौन अभी वेटिंग रूम में आ रहे हैं, वेटिंग रूम को अनेबल कर दिया था जी। अब आपके सामने यहाँ पे मैंने उसको नन ऑफ अबाउ कर दिया, पता नहीं ये अभी बेड मैंने देखी नहीं है, लेकिन आई चेक इट के ये कहाँ पे क्या है जी। तो उसके बाद अब नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपने एलिमेंट्स लगाने हैं, वीडियो एलिमेंट्स अगर आपने इनके सबटाइटल ऐड करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और एंड स्क्रीन अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। सो समथिंग वेंट रॉन्ग, डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग जी, जल्दी से हो जा। मुझे वॉइस का बता दीजिएगा, मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली मुझे बताइएगा कि वॉइस क्लियर है जी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसके एंड पे जो है कोई भी अपना लगा देता हूँ, एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन क्या होता है जी, देखें जब ये वीडियो एंड होगी तो एंड पे आपको ये एक वीडियो मिलेगी और उस साइड पे मेरे ये चैनल का आइकॉन मिलेगा, तो ये एंड स्क्रीन कहलाती है जी। और इसको मैंने सेव कर दिया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, ठीक है जी, अभी आप इसको अपलोड तो करने दें। देर वॉज अ प्रॉब्लम इन प्रोसेसिंग योर वीडियो, एज ए रिजल्ट योर रिसेंट एडिट्स विल नॉट बी सेव। चलें, अभी मेरे पास ये सेव नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, लेकिन उसके लिए उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कार्ड कर सकते हैं जी। अब ऐड कार्ड यहाँ से कोई आपके जो ऊपर आईकॉन का बटन आ रहा होता है, उस आईकॉन के बटन के अंदर बेसिकली यहाँ पे ये लगाया जाता है कि आपके आईकॉन के बटन के अंदर ऊपर जो कॉर्नर के अंदर ये देखें ये इस तरह से आ रहा होता है, तो यहाँ पे आप अपनी आई कार्ड जो है उनको ऐड कर सकते हैं। आप कोई प्लेलिस्ट लगाना चाहते हैं, आप कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, आप जो भी लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेव कर दें जी। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेव हो जाएगा जी। अब ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है मेरे साथ वीडियो अपलोड करने में, वो ये कह रहे हैं कि देयर वाज अ प्रॉब्लम इन प्रोसेसिंग योर वीडियो, सो प्रोसेस होने में कोई इशू है, पता नहीं कौन सा इशू है जी प्रोसेस होने में। चलें, अभी जो भी प्रॉब्लम है ये बाद में मैं सेव कर लूँगा। अभी आप इसको नेक्स्ट करेंगे जी। नेक्स्ट यहाँ पे आपने कार्ड लगा दिए तो सारा कुछ हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको या तो अनलिस्टेड लग सकते हैं, प्राइवेट लग सकते हैं, या फिर पब्लिक रख सकते हैं। तो मैं इसको भी पब्लिक करना चाहता हूँ, और मैं इसके साथ इसको प्रीमियर भी करना चाहता हूँ, तो ये प्रीमियर होगी, और उसके बाद अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये जो वीडियो जैसे ही पब्लिश हो जाएगी तो अब ये वीडियो मेरे चैनल पे चली जाएगी। अब आप क्या करते हैं, इस वीडियो को आपने करना होता है वायरल, कि आपने जो वीडियो अपलोड की है आपकी वीडियो चैनल पे जस्ट उन लोगों को पता चलेगी जिन लोगों ने बेसिकली आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकॉन प्रेस कर रखी है। अगर किसी ने बेल आइकॉन प्रेस नहीं की हुई तो उसके पास आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं जाएगा। बेसिकली आप देखें ये वीडियो का लिंक आपके सामने आ गया, सो यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे इस लिंक को थोड़ा सा इधर उधर फैलाना है, तो मैं इसको कहाँ कहाँ फैलाऊँगा और कैसे फैलाऊँगा जी। इसके लिए मैं सबसे पहला जो काम करूँगा वो मैं करूँगा पिंट्रस्ट का। पिंट्रस्ट का आप किस तरह से काम करते हैं जी, सबसे पहले मैं पिंट्रस्ट ओपन कर लेता हूँ। एंड स्क्रीन मैंने आपको बताया है कि आप वीडियो के एंड पे देखते हैं आपको एक जो चैनल होता है उसका लोगो नज़र आता है, और दूसरी साइड पे आपको कोई वीडियो जो है वो शो हो रही होती है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे चलें एक्सप्लेन कर देता हूँ जी कि क्या होती है एंड स्क्रीन। वॉइस डिस्टॉर्शन, अभी भी वॉइस डिस्टॉर्शन है, काइंडली मुझे बताइएगा कि अब आवाज़ सही है या अभी भी प्रॉब्लम है, काइंडली कोई भी मेंशन कीजिएगा कि अब आवाज़ सही है या अभी प्रॉब्लम है जी। ठीक है, अब देखें ये एक वीडियो है जी, इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ। आइकॉन क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे आइकॉन सॉरी एंड स्क्रीन और क्या कहते हैं वो दूसरा जो वर्ड था वो कार्ड था। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कार्ड क्या है और एंड स्क्रीन क्या है। अगर आप देखें तो ये आपकी 52 सेकंड की एक वीडियो है, ये वीडियो अगर प्ले होती है जल्दी जल्दी हो जाए यार, तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर एंड स्क्रीन क्या आता है। अब यहाँ पे आपने गौर करना है वीडियो के स्क्रीन पे कि इसके अंदर नेट इश्यू है, शायद नेट बहुत स्लो है इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है। अब अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो इस वीडियो के अंदर आपको ये नज़र आएगा जी, डोंट नो क्यों इशू हो रहा है जी, जस्ट वेट कीजिए जी 1-2 मिनट।
चलें, जब तक वो सेट होती है मैं आपको बता दूं। अभी आपके सामने पिंट्रस्ट है, आप गूगल पे जाते हैं, आपने पिंट्रस्ट को ओपन किया। सो जैसे ही आप पिंट्रस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपने अकाउंट बनाना होता है। सो आप क्या करते हैं, जस्ट अपने मेल के थ्रू यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे। जैसे ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे, सो मैं इस पे वर्क कर रहा होता हूँ। आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो अभी आपके सामने आपका अकाउंट बन गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपने जो आपने वीडियो अपलोड की है जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या करेंगे, अपना कंटेंट को यहाँ पे लेके आएंगे। सो आप अपने कंटेंट को कैसे यहाँ पे लेके आएंगे, जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपके सामने इस तरह सा कुछ पेज नज़र आएगा। जैसे अगर आप देखें तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कंटेंट ला चुका हूँ। लास्ट 30 दिन है, लास्ट 30 दिन है, इसके भी लास्ट 30 दिन, और याद लास्ट 30 दिन है। बेसिकली ये मैंने कुछ बहुत ही अर्सा पहले वीडियो बनाई थी और उसका कंटेंट मैं यहाँ पे लेके आया था, फैक्ट्स अबाउट बोन के हवाले से। ये 7वें महीने की 12 तारीख को बनाई गई थी। सो जैसे ही आप यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे भी आप अपना क्रिएट कर सकते हैं पिन। अच्छा, पिन क्या होती है, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये पिक्चर पिंटरेस्ट पे पिन कहलाती है। अब ये पिक्चर आप कहाँ से बनाते हैं, ये पिक्चर अगेन आप कैनवा से बनाएंगे। जैसे आपके सामने मैं स्क्रीन अगेन शेयर करता हूँ यहाँ पे, सो आप थोड़ा सा गौर करें तो कैनवा के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली मिल जाती हैं, और कैनवा पे आपको बहुत सारी जो हेल्प है वो कैनवा से मिल जाती है कि आप कैनवा आपको डिज़ाइनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो आप कैनवा पे आएँ, क्रिएट डिज़ाइन पे आएँ जी, जल्दी जल्दी ओपन हो जाए जी। जी आप क्या करेंगे, क्रिएट डिज़ाइन पे आएंगे। सो जैसे ही आप क्रिएट डिज़ाइन पे आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे पिन ट्रस्ट, तो आपके सामने ये पिन ट्रस्ट की पिन के नाम से ऑप्शन आएगा। जिस अच्छा आपने वो साइज चूज करना है जिसके अंदर 1080x920 का साइज लिखा हुआ है। तो अगर आप 1080x920 का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक और अब कैनवास बोर्ड खुल जाएगा। ये अगर ओपन हो जाती है वीडियो, जी अगर आपके सामने वीडियो में पहले थोड़ी सी क्लियर कर दूं। अब आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर यहाँ पे आपको आई का बटन नजर आता है, वो आपके कार्ड्स होते हैं, वो आपके कार्ड कहलाते हैं, वो आपको ले जाते हैं। आपने किसी को बताया होता है कि मैंने ऊपर कार्ड में लिंक दे रखा है तो वो आपका कार्ड्स कहलाती हैं, वहाँ से भी आपकी वीडियो ओपन हो सकती है। उसके अलावा अगर आप इसके एंड पे आए, अब इस पर पता नहीं एंड स्क्रीन मैंने लगा भी रखा है या नहीं, तो जब आपकी वीडियो ऐसे एंड होने लगती है तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना नजर आता है जिसके अंदर कोई और वीडियो आना शुरू हो जाती है, और इस साइड पे आपको चैनल का लोगो आना शुरू हो जाता है, तो ये आपके कहलाते हैं एंड कार्ड। अब वो क्या करते हैं, अगर आपका बंदा जो भी बंदा वीडियो देखेगा वो और इसी तरह क्या करेगा, इस वीडियो पे आपके क्लिक कर देगा तो वो आपकी वीडियो को सिलेक्ट कर लेगा कि आपकी वो वीडियो भी देख ले। सो वीडियो के ऊपर एंड कार्ड और सॉरी एंड स्क्रीन और उसके साथ साथ एलिमेंट या एड कार्ड जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आप क्या करेंगे जी, ये पिंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, और आप पिंटरेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये कैनवास आ जाएगा। इस कैनवास के ऊपर आपने अपनी उन पिन जो है उसको ड्रा करना है। जैसे ये मैं टेम्पलेट ले लेता हूँ जी। अब मैंने बात की है जी बेसिकली विटामिन के हवाले से, सो सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करके अपनी उस पेज के हवाले से इक्वल करता हूँ। जैसे इसको मैं बेसिकली डिलीट कर देता हूँ, मैं अपना एक स्टाइल लेके आऊँगा या अपना एक बेसिकली डिज़ाइन लेके आऊँगा। वो डिज़ाइन मैं कहाँ से लाऊँगा जी, मैं एलिमेंट के अंदर जाता हूँ, और जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी विटामिन। सो आप अगर विटामिन यहाँ पे सर्च करेंगे, या कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है, आपका टॉपिक आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। मैं बेसिकली अभी वीडियो के हवाले से बात कर रहा हूँ जो मैंने बनाई है। सो देखें तो विटामिन इन फ्रूट से मिलते जुलते होते हैं, तो मैं इस फ्रूट को यूज़ कर लेता हूँ और ये यहाँ पे मैं फिट करता हूँ जी। अब जैसे ही मैंने ये फिट कर लिया यहाँ पे, उसके बाद इस नीचे राइटिंग मौजूद है जी, इस राइटिंग अच्छा इसको मैं बैकवर्ड ले जाता हूँ बेसिकली। अब इसके अंदर जो ये जितनी भी राइटिंग मौजूद है यहाँ पे, बेसिकली ये राइटिंग मेरे काम की नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये भी मेरे काम की नहीं है, ये भी डिलीट हो गई और ये भी डिलीट हो गई। अब मैं टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ, और टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है उसको यूज़ करता हूँ। जैसे इसको मैं पहले अनग्रुप कर लेता हूँ, और ये नीचे वाला मेरे काम का नहीं है, इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप लिखते हैं जी विटामिन्स। अब आपका कोई भी बेसिकली टॉपिक हो सकता है, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड ही क्या करेंगे, अपना पिन जो है वो यहाँ से क्रिएट करेंगे। सो इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ इस साइड पे जाके जी। अब देखें तो ये आपके सामने एक पिन जो है वो मैंने क्रिएट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पिन को डाउनलोड करूँगा यहाँ से,
और ये मैं जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड करूंगा, और डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूंगा इसको, जी साइज, आप जब आप वहां पे क्लिक करेंगे क्रिएट साइज के अंदर, तो क्रिएट कस्टम साइज के अंदर आप पिंटरेस्ट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पे आपने देखना है जी, आई गेस 1920 वाला एक साइज है। मैं अगेन आपको देख के बता देता हूँ जी, आई एम सॉरी, जस्ट आई स्किप इट आउट। यहाँ पे देख लेते हैं जी, ये देखें 1080x1920, ये वाला साइज आपने लेना है जी। अब वो डाउनलोड हो गया है, अब मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे आऊँगा जी, और यहाँ पे क्रिएट पे आके मैं क्रिएट पिन करूँगा, और जैसे ही मैं क्रिएट पिन करूँगा तो यहाँ पे ये पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब इस पेज के अंदर क्या करना है, आपने जस्ट अपना वो जो आपका बेसिकली पिन आपने क्रिएट की है, जो जो पिक्चर आपने ग्राफिक्स बनाई है, उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अब देखें ये अपलोड हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इसके अंदर ये मिस्टेक भी है, विटामिन्स के स्पेलिंग ठीक नहीं है, आई एम सॉरी, बट अब यही थे। सो टाइटल के अंदर आप यहाँ पे आपने वही टाइटल आपने लिखना है जो आपने यूट्यूब पे लिखा था, वो यूट्यूब पे टाइटल था जी, व्हाट आर विटामिन्स, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। अब ये हो गया जी, इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। अच्छा उसके बाद ये नीचे होती है डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन क्या है जी, आप कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं कि आपने किस चीज़ के बारे में बात की है। सो वही डिस्क्रिप्शन जो आपने यूट्यूब पे लिखी थी, वही डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन लाता हूँ जी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब नीचे अगर आप देखें जी, नीचे आ रहा है जी ऐड टू डेस्टिनेशन लिंक। अब ऐड टू डेस्टिनेशन लिंक वो लिंक है जो कि लोगों को आपके चैनल पे लेके आएगा। तो ये लिंक आपका वही वीडियो वाला लिंक है, आपने वहां से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लेके आएंगे जी। सो यहाँ पे आपने वही लिंक जो है वो पेस्ट कर देना है। अब जैसे देखिए मैंने ये पेस्ट कर दिया, और उसके बाद मैं इसको पब्लिश इमिडिएटली कर देता हूँ। सो यहाँ पे जैसे मैं इसको पब्लिश करता हूँ, तो अब पब्लिश हो गई जी। अब पब्लिश होने के बाद क्या होता है जी, ज़रा देखिएगा इसको गौर से। सो जैसे ही ये पब्लिश होगी, अच्छा ये पब्लिश होती है, तब तक हम एक और वेबसाइट जिसके बारे से हमने बात करनी है वो है क्योरा। सो उसको देख लेते हैं जी, क्योरा को लिंक आप अपनी वीडियो से कॉपी करेंगे, जो आपका वीडियो है उसके बाद ही फौरन आपके सामने लिंक शो हो जाता है, तो वहां से आप कॉपी करेंगे जी। अगर हो गई है जी, अब आपके सामने वो हो चुकी है बेसिकली अपलोड। अब जैसे देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पब्लिश जो है वो हो जाएगी, आपके साथ आपके सामने 1-2 मिनट में आ जाएगी। सो जैसे ही वो आती है, मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जी। अब वो आपके सामने इस तरह से पब्लिश हो चुकी होगी, आप क्या करेंगे, इस तरह से आएंगे, जो भी अब कंटेंट आपके कंटेंट पे आना चाहेगा या जो भी आएगा, वो आपके अगर यहाँ पे क्लिक कर दे आपकी पिक्चर के ऊपर, तब भी वो आपके YouTube चैनल पे आ जाएगा। जैसे देखें मेरी वही वीडियो जो है वो ओपन होगी। अब ये देखें, ये मैंने उस पर क्लिक किया तो ये मेरी वीडियो इधर आ गई है, ठीक है। उसके अलावा जब भी कोई बंदा आपके पिंटरेस्ट पे आएगा तो आपका यहाँ पे पॉपअप होना शुरू हो जाता है। अगर वो यहाँ पे देखेगा तो ये पॉपअप होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे वो भी क्लिक करेगा तब भी वो आपके वीडियो पे ही आ जाएगा। सो जैसे देखें, अभी वो बेटा मानने वाली कहीं आ जाती है मेरे सामने, जो मैंने अभी अपलोड की है, वो थोड़ा सा टाइम लेती है पोस्ट होने में। सो वो आपकी पिंस जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इजीली, अब जैसे ये देखें आ चुकी है। सो इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो या मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तब भी मेरा वही लिंक चैनल ओपन हो जाएगा, या अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ यहाँ पे, तब भी मेरा क्या होगा, वही चैनल जो है वो ओपन हो जाएगी, और वही वीडियो जो हमने अभी अपलोड की है वही आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगी। सो एक ये आपके पास टूल है पिंटरेस्ट, जिसको आप जिसके थ्रू आप अपने चैनल पे अपनी ऑर्गेनिक ऑडियंस को लेके आते हैं। दूसरा है जी क्योरा, वो हम देखते हैं जी क्योरा किस तरह वर्क करता है। आप गूगल पे जाएं, सिंपली आप क्योरा ओपन करें, और जैसे ही आप क्योरा को ओपन करेंगे तो ये आपके पास क्योरा जो है उसके यहाँ पे आ जाएगा। आप अपनी मेल के थ्रू इसको बेसिकली क्या कर लेंगे, आप एंटर हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्योरा वो वाहिद बेसिकली साइट है, या वो वाहिद सोशल मीडिया का अकाउंट है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग सिर्फ सीखने और सिखाने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता, लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और आप उन क्वेश्चन के आंसर दे रहे होते हैं, या कोई बंदा होता है जो इस पे ब्लॉग लिख रहा होता है और क्या कर रहा होता है, वो इस पे डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वही मैं आपके सामने, मैंने विटामिन से रिलेटेड वीडियो बनाई है, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि क्या क्योरा के ऊपर भी इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आके लिखूंगा व्हाट आर विटामिन्स। सो जैसे ही आप यहाँ पे व्हाट आर विटामिन्स लिखेंगे, तो
तो मुझे क्या करेगा, ये देखें यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे लोग विटामिन के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। सो मैं क्या करूँगा, इसी को ओपन करूँगा। तो ये सबसे ऊपर जो है वो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे अपने वीडियो जो है उसके थ्रू आंसर करना है। अगर आप देखें तो इसी जगह पे आपको आंसर का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। सो अगर मैं आंसर पे क्लिक करूँ तो ये डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन हो गया जहाँ पे मैं अपना आंसर लिख सकता हूँ। अब आपने डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिंक जो है वो पेस्ट नहीं कर देना। जैसे अगर आपने डायरेक्ट आपने लिंक पेस्ट कर दिया तो आपका जो क्योरा का बेसिकली साइट होगी, आपकी प्रोफाइल होगी, वो भी ब्लॉक हो जाएगी और आपका यूट्यूब जो है वो भी इसको स्पैम समझेगा। सो आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे आपने कुछ कंटेंट लिखना है। सो आप कंटेंट कैसे लिखेंगे, कहाँ से लाएंगे कंटेंट, आप अगेन वही जो आपने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में कंटेंट लिखा था वो आपके पास सेव होना चाहिए। वही कंटेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और जब आप यहाँ पे लिख देंगे सो वो कंटेंट आपका आ गया। सो नीचे आपने एक लाइन लिखनी है, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट विटामिन्स जस्ट वॉच द फॉलोइंग वीडियो। तो ये आपके पास एक लाइन है। ये लाइन लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने यूट्यूब के चैनल वाला जो लिंक था जो कि आप कॉपी करके लाए थे वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो अब जैसे ही अब वो आप कॉपी करके लाएंगे और यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो अब आपका जो बेसिकली ये कंटेंट है ये स्पैम में नहीं जाएगा क्योंकि आपने डिस्क्राइब किया हुआ है ऊपर, और उस डिस्क्राइब करने के साथ साथ आपने नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप और कुछ इसके बारे में लर्न करना चाहते हैं सो तब आप क्या करें, नीचे वाली वीडियो देख लें। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जस्ट इसको यहाँ से पोस्ट कर देंगे। तो ये भी एक तरीका है, पिंटरेस्ट के बाद आप अपनी ऑडियंस को क्या करते हैं, अपने चैनल पे जो ऑडियंस है उसको लेके आते हैं थ्रू ऑर्गेनिक रीच। अब देखें इस पे 1 व्यू भी ऑलरेडी आ गया कि ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में है। देखें अभी हमने पोस्ट किया और उस पे 1 व्यू जो है वो भी आ चुका है। सो इस तरह क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट पे सॉरी अपने चैनल पे या जिस तरह का भी आपका जो भी चैनल है आप उस पे ऑर्गेनिक आउटरीच जो है उसको लेके आएंगे। सो तीसरा तरीका ऑर्गेनिक आउटरीच आने का वो कौन सा है जी, वो आपका है लिंक्डइन। सो आप लिंक्डइन अगेन यूज़ करते हैं जी, लिंक्डइन के हवाले से आप जानते होंगे वो आप कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे उसका अकाउंट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब से वीडियो देख के इसका अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। अब ये आपके सामने लिंक्डइन है जी, आप लिंक्डइन पे अगेन यहाँ पे आपने पोस्ट करना होता है, आप अपना कंटेंट जो है उसको पोस्ट करते हैं। सो कंटेंट कैसे पोस्ट करते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्टली आपने अपना जो बेसिकली वो लिंक है वो पोस्ट नहीं करना। सो यहाँ पे भी आपने डिस्क्रिप्शन पहले ज़रूर लिखनी है, और डिस्क्रिप्शन आप क्या लिखेंगे, वही डिस्क्रिप्शन जो आपने यूट्यूब के चैनल में लिखी थी वही आप यहाँ पे लिख दें। और उसको लिखने के बाद नीचे आप वही लिख दें जी, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट लर्न मोर अबाउट विटामिन्स जस्ट वॉच फॉलोइंग वीडियो। सो ये आपके पास एक लाइन हो गई। इस लाइन के बाद अब क्या करेंगे, आपने जो बेसिकली जी वीडियो को स्पेलिंग जो है उसमें मिस्टेक है जी। अब आप क्या करेंगे, अब आपने देख लिया, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना लिंक लेके आएंगे जी जो आपकी वीडियो का लिंक था। सो अब हम इस वीडियो के लिंक को लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिंक पेस्ट करने के बाद ये आपको जो बेसिकली क्या कहते हैं जो लिंक्डइन है वो बेसिकली आपको खुद से ही जी ठीक है, जो आपके लिंक्डइन है वो खुद से ही आपको हैशटैग जनरेट करके देती है। तो ये जितने हैशटैग नीचे आ रहे हों उन सबको आपने क्लिक करके यहाँ पे ऐड ज़रूर कर लेना है, ठीक है। सो ये वो हैशटैग होते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड ट्रेंडिंग में होते हैं। सो ये सारे आपने हैशटैग जो है यहाँ से यूज़ कर लेने हैं, और जस्ट देखें वो खुद आपको गाइड करता रहेगा कि आप कौन कौन से हैशटैग जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अभी। इसी तरह ये आपके सारे जो हैशटैग लग गए हैं, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पोस्ट कर देंगे। तो ये तीसरा तरीका है आप अपनी ऑर्गेनिक रीच को जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं।
अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो है वो पोस्ट हो चुकी होगी। सो तीन तरीके, एक पिंट्रस्ट को यूज़ करेंगे, आप वहाँ पे पिन लगाएंगे। दूसरा तरीका, आप क्योरा पे जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन सर्च करेंगे, उसके आंसर में आप क्या करेंगे, आप अपनी वीडियो का लिंक देंगे। लिंक आपने किस तरह देना है, आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसके बाद आपने लिंक देना है और फिर आपने वो पोस्ट करना है। तीसरा तरीका, आप अपने बेसिकली लिंक्डइन पे आएँ, आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, अच्छी खासी प्रोफाइल होनी चाहिए, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपना वीडियो जो है उसके कंटेंट का लिंक देंगे। तो ये तीन मेन तरीके हैं, आप अपने यूट्यूब की वीडियो को वायरल करते हैं, आप अपनी ऑर्गेनिक रीच लाते हैं और उसके बाद जो है वो आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाती है। अगर आप वही वीडियो पकड़ेंगे और वीडियो आप अपने बेसिकली हर एक दोस्त को कहेंगे मेरी वीडियो देख लें जी, और आप लोगों की मिन्नतें करते फिरेंगे कि हमारी वीडियो देख लें, हमारी वीडियो देख लें, तो आप ना ही अर्निंग करेंगे और ना ही आपका सेटिस्फेक्शन रहेगी कि पता नहीं लोग मेरे कंटेंट को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। सो मेन चीज़ वीडियो की SEO, आपने वीडियो अपलोड कैसे की है, लाइक आपने वीडियो के अंदर टैग कैसे लगाए हैं, उसका कंटेंट कैसा है और उसके बाद उसका थंबनेल कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद आप अपनी वीडियो को खुद कैसे कितना वायरल करना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लिमिट नहीं है जी, देयर इज नो लिमिट इन लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन। लिंक्डइन के, अब जैसे लिंक्डइन ओपन करते हैं, सो मैंने ये बताया कि आप लिंक्डइन ओपन करेंगे, आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, लिंक्डइन आप ओपन करेंगे और वहाँ पे आप पोस्ट के अंदर जाके अपनी पोस्ट उसको पोस्ट कर देंगे। जैसे लिंक्डइन है जी आपके सामने, सो यहाँ पे सिमिलरली जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं उसी तरह का ये तरीका है। आप यहाँ पे स्टार्टअप पोस्ट करेंगे और यहाँ पे आप पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी वीडियो का लिंक लगाएंगे और उसको पोस्ट कर देंगे। ये हैशटैग यहाँ पे आ रहे होते हैं, सो यहाँ से आप ऐड हैशटैग करते जाएं तो आप उसके ज़रिए भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तीसरा तरीका, ये तीन तरीके हो गए, चौथा आपके पास बेसिकली जो मैंने आपको इंस्टाग्राम बताई है, आप इंस्टाग्राम पे एक अच्छा सा बेसिकली पोस्ट बनाएं, उसको पोस्ट बनाने के बाद आप पोस्ट कर दें और आपके जो वीडियो लिंक है वो उस बेसिकली उस पोस्ट आपने जो बनाई है, जो पिक्चर है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि अगर आप इस वीडियो इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी और आपका लिंक जो है वो बायो के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। एक ये तरीका हो गया, अगर आप फेसबुक एक्टिवली यूज़ करते हैं, फेसबुक आपका अच्छा एक बेसिकली हैंडल है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप पेज बना लें और पेज बना के आप वहाँ पे अपने कंटेंट को पोस्ट करना शुरू कर दें और साथ में लोगों को बताना शुरू कर दें कि हमारा यूट्यूब पे चैनल है, तो आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाके आप हमारी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से लोग जो हैं वो आपके ऑर्गेनिक आउटरीच के थ्रू, जिन लोगों को आपका कंटेंट अच्छा लगता है वो आके आपके कंटेंट को देखते हैं, तो आपकी अर्निंग भी ठीक होना शुरू हो जाती है और आपकी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल होना भी शुरू हो जाती हैं। जैसे देखें, मैं एक अभी मैंने चैनल बनाया था अबाउट के अंदर, अगर आप देखें तो ये आपको मेरा चैनल नज़र आएगा कि मैंने 8 अक्टूबर 2020 को बनाया है और इसी के अंदर अगर आप मेरी एक वीडियो देखें तो वो वीडियो आपको 1K+ व्यूज़ नज़र आते हैं कि एक मेरी वो वीडियो जो वायरल हुई है, अब यहाँ पे पता नहीं अब वो कहाँ पड़ी है जी, ये है अगर आप देखें तो, ये कोलेस्ट्रोल के हवाले से मैंने बात की थी, ये बिल्कुल 3 मिनट की वीडियो थी और बहुत ही सिंपल वीडियो थी, ना ही मैंने इसमें कुछ बोला है, ना ही मैंने अपने आप को शो किया है, कुछ भी नहीं है, जस्ट ये सिंपली मेरे पास उसके क्या कहते हैं, एक वीडियो के वायरल करने का तरीका था। तो मैंने यही तीन चार सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स जो मैंने आपको तरीके बताए हैं इन्हीं को यूज़ किया और इनको मैंने वायरल करवाया, तो इस पे देखें 1K व्यूज़ जो हैं वो इस पे आ गए। उसके बाद और देखें तो आपको कहीं पे और भी बहुत अच्छे व्यूज़ आपको नज़र आएंगे, कुछ वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई थी। अब यहाँ पे एक और वीडियो थी जो कि कोरोना वायरस के हवाले से मैंने बनाई थी, अब वो एक डायलॉग बॉक्स था, हम एक एकेडमी में थे, सो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कहीं, यही है बेसिकली। देखें इस पे 374 व्यूज़ आ चुके हैं। सो व्यूज़ जो हैं तब आना शुरू होते हैं जब आप अपने कंटेंट को खुद वायरल करते हैं। अब इस पे देखें 146 हैं, 153 हैं, बहुत कम व्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी जितना एक आप वर्क करते हैं और आप उसको शो करना शुरू करते हैं तो तब आपके कंटेंट पे लोग आना भी शुरू हो जाते हैं और आपका कंटेंट भी वायरल होना शुरू हो जाता है। अभी मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे जी के हाउ टू ओपन द डोर। ये शायद मैंने एक दफ़ा अपने स्टेटस पे भी लगाए थे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, के हम लोग कैसा कंटेंट देख रहे हैं जी, हाउ टू ओपन बेसिकली हाउ टू ओपन
द डोर, ये बेसिकली वीडियो का टाइटल था। अगर आप गौर करें तो ये वाली वीडियो है, सिर्फ वीडियो देखिएगा जी, 16 सेकंड की वीडियो है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि काम क्या है इसके अंदर। देखें इस वीडियो को वो क्या चीज़ शो कर रहा है इसके अंदर, सिर्फ आप पहले ये देखिए। इस वीडियो के अंदर ना ही कोई वॉइस है, और ये जहाँ से देख के लग रहा है कि एक फीमेल है, अब मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कोई वॉइस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी वीडियो है। अब इसी वीडियो को अगर आप व्यूज देखना चाहें, इसी वीडियो को अगर आप व्यूज देखें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2.3 मिलियन व्यूज इस वीडियो के हो चुके हैं। ये देखें, 9 ईयर पहले ये वीडियो ओपन की गई थी और इसके 2.3 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। सो बेसिकली देखें हम किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। देखें 9 ईयर पहले वीडियो अपलोड की गई और इस पे व्यूज 2.3 मिलियन हो गए हैं। 16 सेकंड की वीडियो है, कुछ भी नहीं है, जस्ट वो एक दरवाजे को ओपन कर रहा है, और ये इसने इतनी अच्छी एसईओ की है इसकी कि ये सबसे ऊपर आ रही है। और सबसे ऊपर क्यों आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है कि इसको वायरल किया गया है, इस पे वर्क किया गया है, और उसके साथ साथ इसकी एसईओ इतनी अच्छी की गई है कि ये जो भी लोग आते हैं वो इस इनको ये सबसे ऊपर वीडियो नज़र आती है, तो उसके बाद इसको क्या करना, वो लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। सो बेसिकली आप अपनी वीडियो भी एसईओ कितनी अच्छी करते हैं और उसके अंदर आपका जो कंटेंट है लोग उसको कितना मेंटेन कर रहे हैं आप देख रहे हैं। तो अब इसके अंदर अगर आप टैग देखें तो सिर्फ उन्होंने 3-4 टैग यूज़ किए हैं, लेकिन उन्होंने इतना वायरल इसको कर दिया, वायरल थ्रू ऑर्गेनिक मीडियम। तो आपके पास ये जो है बेसिकली वीडियो वायरल हो गई और उसके व्यूज़ आना शुरू हो गए जी। अब यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन जी? यू कैन अपलोड योर वीडियो, सेम वीडियो ऑन फेसबुक पेज एंड यूट्यूब, लेकिन इसके लिए आपको ये करना है कि आप YouTube पे पहले उसको अपलोड करेंगे और Facebook पे उसको बाद में अपलोड करेंगे। रिकॉर्डिंग या लिंक के हवाले से आप ग्रुप के अंदर जो बेसिकली इस सेशन को डील कर रही हैं उन मैम से बात करें, हो सकता है वो आपको दे दें, हो सकता है वो ना दें, आप उनसे बात करें तो वो शायद आपको इसके बारे में गाइड कर सकेंगे, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन जी, जल्दी से क्वेश्चन बताएं। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 वेबसाइट रह गई हैं, बल्कि 2 वेबसाइट रह गई हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करना है, उसके बाद इट्स डन फॉर टुडे। रिकॉर्डिंग मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप ग्रुप के अंदर बात कर लें, उसके हवाले से अगर आपको मैम देती हैं तो तब। अब्दुल्ला जी, ये वॉच टाइम हम कल सीखेंगे, वॉच टाइम के बारे में हम कल सीखेंगे, और परसों हम गिग बनाना सीखेंगे, और उसके बाद दैट्स इट, उसके बाद आपका ये सेशन जो है वो एंड हो जाएगा। वो बेसिकली डाटा के हवाले से होती है, वो डाटा एंट्री होती है, अगर आपको डाटा एंट्री की स्किल आती है तो तब वो वीडियोस देखें और आप वो वर्क कर सकते हैं। वो वीडियोस कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती हैं, वो डाटा एंट्री आपने करनी होती है। सो वो उस हवाले से है, अगर आपको डाटा एंट्री आ जाए तो तब ये आप वीडियोस देखें और आपको वो हेल्प हो सकती है जी। बिल्कुल, संडे इज़ द लास्ट डे। सो मैंने आपको 2 वीक कहे थे, तो 2 वीक के अंदर जो है उसको हमने कंप्लीट किया है जी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अजान हो रही है, उसके बाद क्या करते हैं हम उन वेबसाइट्स को देख लेते हैं जी, ये अजान हो जाए उसके बाद हम शुरू करते हैं।
जी अगेन नाउ स्टार्ट करते हैं जी। आपको जस्ट वो दो वीडियो दो जो हैं वो मैंने बतानी हैं वेबसाइट्स। सो उसमें पहली वेबसाइट है यूडेमी। सो यूडेमी आप क्या करते हैं जी, यूडेमी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को बेसिकली यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को ग्रो करते हैं। जैसे यूडेमी है, इस पर फ्री कोर्सेज होते हैं। सो बहुत सारे आपको ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप फ्री में यहाँ से लर्न कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने आपको सिखाई, आपको मैंने कुछ थोड़ी बहुत उसके बारे में इंस्टॉल करवाया, आपको सिखाया। उसके बाद मैंने आपको GFX मेंटोर के हवाले से गाइड किया कि आप GFX मेंटोर के हवाले से सीख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कुछ और चीज़ें भी सीखनी हैं, आपको हाई लेवल पे जाना है, आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे लेवल पे जाके फ्रीलांसिंग करें जहाँ पे आप सिक्स डिजिट जो है वो अर्न करना भी शुरू कर दें, सो आपको स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक पॉलिश करनी पड़ती हैं। सो स्किल पॉलिशिंग कहाँ से होती है, जहाँ पे भी आप सीखने जाएंगे, जहाँ जिस मेंटोर के भी पास जाएंगे वो आपको हमेशा बेसिक सिखाएगा, और थोड़ा बहुत एडवांस सिखाने के बाद या कुछ ऐसी स्किल सिखाने के बाद वो आपको कहेगा कि योर कोर्स इज़ डन, आप सीख चुके हैं। सो उसके बाद आपने खुद से लर्न करना होता है, खुद से प्रैक्टिसेस करनी होती हैं। सो आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप यूडीमी पे आएँ। यहाँ पे अगर आपने सपोज दैट कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, सो यहाँ पे आप सर्च करें जी ग्राफिक डिज़ाइन। अभी आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज जो है वो ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आप कोर्सेज को सीख सकेंगे। अब ये कोर्सेज होते हैं जी, कुछ टाइम के वीडियोस होती हैं और टास्क होते हैं, वो आपने परफॉर्म करने होते हैं। सो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने इलस्ट्रेटर के कोर्सेज लेने हैं, किस चीज़ के कोर्सेज लेने हैं, सारे आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे यूडेमी पे कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि फ्री होते हैं, और कुछ कोर्सेज जो होते हैं वो आपके पेड होते हैं। सो आपने हमेशा फ्री की तरफ जाना है। फ्री की तरफ आप कैसे जाएंगे, यहाँ पे आपके सामने प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फ्री पे क्लिक कर दें तो आपको जो है वो फ्री में सारे कोर्सेज बेसिकली ये आपको फ्री में जो है वो कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे ये डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाई जाएगी, ये सारी डिज़ाइनिंग आपको क्या है फ्री में मिल जाएगी। अब जब ये फ्री में आपके सामने प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिज़ाइन के हवाले से बात की गई है, सो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इनरोल कर लेंगे। और जैसे ही अब मैं आपके लिए इनरोल भी कर लेता हूँ, चलें अब यहाँ पे आप अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड और अपना अकाउंट वगैरह जैसे ही आप कर लेंगे इन कर लेंगे तो उसके बाद ये आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप फ्री में स्किल सीखेंगे, और यहाँ पे उनकी वीडियोस के अंदर आपको सिखाया जाएगा, और फिर आपको प्रैक्टिस करने का टाइम दिया जाएगा, अपने टास्क जो है वो कंप्लीट करना होगा। सो यूडेमी अगेन मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ, वो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं, आप स्किल्स को सीखते हैं। ये आपके साथ मैं चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ जी। नादिया आई एम सॉरी, पता नहीं आप किसके लिंक के हवाले से बात कर रही हैं जी, कौन सा आप लिंक पूछना चाह रही हैं। ये आपके साथ है जी। उसके बाद दूसरी जो वेबसाइट है वो भी सिमिलर इसी तरह की है, बिट डिग्री। अगर आप इनमें से किसी एक पे भी वर्क कर लें, चाहे आप यूडीमी पे कर लें, चाहे आप बिट डिग्री पे कर लें, सो ये आपके लिए दोनों वेबसाइट जो हैं हेल्पफुल हैं। दोनों पे सेम यही केस है, दोनों के ऊपर आपका वही कोर्सेज होते हैं, और बिट डिग्री भी आपको शायद कहीं से कंटेक्ट करके आपको बेसिकली सॉरी ये यूडेमी हुई है, बिट डिग्री कहाँ पे मौजूद है जी, ये मौजूद है। अब बिट डिग्री जो है वो भी आपको बिट डिग्री जो है यहाँ पे भी आपके सामने ये बेसिकली कोर्सेज हैं वही, सिमिलरली आप यहाँ से साइन अप करते हैं, और यहाँ पे भी आप प्राइस के अंदर जाके देखेंगे जिस चीज़ के बारे में भी आपसे देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये मार्केटिंग के हवाले से या डिज़ाइनिंग के हवाले से देख लेता हूँ, सो आप यहाँ पे प्राइस के अंदर जाके देखें तो आपको यहाँ भी कुछ फ्री कोर्सेज जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये कुछ रेटिंग हाई रेटिंग के स्किल्स के डिज़ाइनिंग के, सो यहाँ पे कुछ कोर्सेज मौजूद हैं जी, और कुछ पेड हैं। मेनली आप पेड की तरफ ना जाएं, अगर आपको यहाँ पे कोई फ्री कोर्स मिल जाता है तो आप कर लें, अदरवाइज जो है वो आपने यूडीमी पे ही रहना है, और यूडीमी से आपने अपनी स्किल को जो है वो पॉलिश करना है। सो ये कुछ दो स्किल्स थी, सॉरी ये दो वीडियोस थी जी आपके, ये दो सॉरी वेबसाइट्स थी जहाँ से आप अपनी स्किल को पॉलिश कर सकते हैं जी। और उसके बाद एक और मैंने आपसे वेबसाइट शेयर करनी है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो जो है उसको बनाएंगे, तो वो आपकी है जी Behance.net। Behance.net ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे सारे दुनिया के डिज़ाइनर जो हैं वो अपना पोर्टफोलियो इकट्ठा करते रहते हैं जी। अगर आप देखें Behance.net, मैं आपसे ये वेबसाइट शेयर भी कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि आप किस तरह से वर्क कर देंगे जी।
नादिया, वो बेसिकली जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर वीडियो थी। उस वीडियो का लिंक आपको ज़रूरी नहीं है, वो आपके किसी काम की नहीं है। अगर आप वैसे ही देखना चाहती हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लें हाउ टू ओपन द डोर, आपको पहली पहली मिल जाएगी। अब जी देखें आपके सामने, ये यहाँ पे बेसिकली मिड डिग्री सॉरी ये बिहांस की वेबसाइट मैंने ओपन की है। अब मेरी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन नहीं है, सो ये बार बार मुझसे यही पूछा है। अब यहाँ पे देखें तो ये सारे आपको डिज़ाइनर के काम मिलेंगे, जिन्होंने डिज़ाइन करके अपना पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। जैसे अगर ये देखें, ये एक इलस्ट्रेटर पे है जी, एक बंदा वर्क कर रहा है, ये देखिए उसने डिज़ाइन किया हुआ है। सो ये कॉकबर्न स्पोर्ट है, इसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हुई है और ये उसका पोर्टफोलियो है। सो जब भी कोई आप क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं तो वो आपसे कहेगा कि जी आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएं कि आपने कितना वर्क किया हुआ है और कैसा कैसा वर्क किया हुआ है। सो आप क्या करते हैं, आप ये क्लाइंट आपसे कभी भी एक एक पिक्चर जो है वो नहीं मांगता। सो आप क्या करते हैं, आप सिंपली अपने इसी बिहांस का जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, लिंक दे देते हैं। जैसे मेरे बिहांस अकाउंट का एक बेसिकली अगर यहाँ पे शुरू हो जाता है तो बिहांस डॉट नेट स्लैश SadiqHussain1, अगर ओपन हो गया तो इट विल बी गुड फॉर यू, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। सो अब क्या होगा, जब भी मेरा क्लाइंट आएगा तो वो मैं उसको अपना यही लिंक शेयर कर दूंगा और इस लिंक पे जाके, जैसे देखें ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया, ये क्या करेगा, वो बंदा मेरे इस अकाउंट पे जाएगा और अकाउंट पे जाके मेरा ये वर्क देखेगा जो मैंने कुछ यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। अभी हालांकि मैंने करना है ये बहुत थोड़ा है और बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ यहाँ पे मौजूद है। सो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इस देखेगा कि मैंने क्या क्या ग्राफिक्स कर्व बना रखी हैं, मैंने क्या डिज़ाइनिंग बना रखी हैं। तो ये आपके पास बिहांस डॉट नेट की वेबसाइट जो है ये भी ओपन होनी चाहिए और इस पर भी आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे और यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो जो है आप लोग ऐड करेंगे। जैसे ये अब मैंने ये मैंगो बनाया था और ये मैंगो मैंने डिज़ाइन किया था और उसके बाद मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये मैंने कैसे डिज़ाइन किया था, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा GFX मेंटोर, आप वहाँ से देख के इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं जी। जी यहाँ तक इट्स डन, आपको दो तीन वेबसाइट बतानी थी और आज के SEO के वाले से बताना था और आपके सामने वीडियो अपलोड करनी थी एक। सो होपफुली आप अपनी वीडियो को ऑर्गेनिक रीच आउट कैसे करवाते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जी। अब मैंने क्वेश्चन लेने हैं जी आप लोगों के। सो किसी के क्वेश्चन हैं या नहीं, अगर क्वेश्चन है तो हम सेशन दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं और अगर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं है तो इट्स ओवर फॉर यू जी। जल्दी से रिस्पॉन्स कर दें उससे पहले कि मीटिंग एंड हो जाए। आपके किसी के क्वेश्चन हैं, अगर हैं तो सेशन दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा।